If you are interested in Ramayana Mahabharata, then this video is for you. स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पीठ पीछे बात करने वाले, चुगली करने वाले पुरुषों के बारे में बताया था। तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और शुरुआत से देखेंगे। उसके बाद आज का चैप्टर है राजा के लिए कोष संग्रह की आवश्यकता, मर्यादा की स्थापना और मर्यादित दस्युवृत्ति की निंदा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा को चाहिए कि वो अपने तथा शत्रु के राज्य से धन लेकर खजाने को भरे। कोष से ही धर्म की वृद्धि होती है और राज्य की जड़ें बढ़ती रहती है अर्थात सुदृढ़ होती है। इसलिए राजा कोष का संग्रह करे, संग्रह करके सादर उसकी रक्षा करे और रक्षा करके निरंतर उसको बढ़ाता रहे। यही राजा का सदा से चला आने वाला धर्म है। जो विशुद्ध आचार विचार से रहने वाला है उसके द्वारा कभी कोष का संग्रह नहीं हो सकता। जो अत्यंत क्रूर है वो कदापि इसमें सफल नहीं हो सकता। अतः मध्यम मार्ग का आश्रय लेकर कोष संग्रह करना चाहिए। यदि राजा बलहीन हो तो उसके पास कोष कैसे रह सकता है? कोषहीन के पास सेना कैसे रह सकती है? जिसके पास सेना ही नहीं है उसका राज्य कैसे टिक सकता है? और राज्यहीन के पास लक्ष्मी कैसे रह सकती है? जो धन के कारण ऊंचे तथा महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा हुआ है उसके धन की हानि हो जाए तो उसे मृत्यु के तुल्य कष्ट होता है। अतः राजा को कोष, सेना तथा मित्र की संख्या बढ़ानी चाहिए। जिस राजा के पास धन का भंडार नहीं है उसकी साधारण मनुष्य भी उसकी अवहेलना करते हैं। उससे थोड़ा लेकर लोग संतुष्ट नहीं होते और ना उसका कार्य करने में ही उत्साह दिखाते हैं। लक्ष्मी के कारण ही राजा सर्वत्र बड़ा भारी आदर सत्कार पाता है। जैसे कपड़ा नारी के गुप्त अंगों को छिपाए रखता है उसी प्रकार लक्ष्मी राजा के सारे दोषों को ढक लेती है। पहले के तिरस्कृत हुए मनुष्य इस राजा की बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर जलते रहते हैं और अपने वध की इच्छा रखने वाले उस राजा का ही कपटपूर्वक आश्रय ले उसी तरह उसकी सेवा करते हैं जैसे कुत्ते अपने घातक चांडाल की सेवा में रहते हैं तो कैसे सुख मिलेगा। अतः राजा को सदा उद्यम ही करना चाहिए, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए क्योंकि उद्यम ही पुरुषत्व है। जैसे सूखी लकड़ी बिना गांठ के ही टूट जाती है परंतु झुकती नहीं है, उसी प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाए परंतु उसे कभी दबना नहीं चाहिए। वो वन की शरण लेकर मृग के साथ भले ही बिचरे किंतु मर्यादा भंग करके डाकुओं के साथ कदापि ना रहे, मतलब गलत इंसानों के साथ ना रहे। भारत डाकुओं को लूटपाट या हिंसा आदि भयानक कर्मों के लिए अनायास ही सेना सुलभ हो जाती है। सर्वथा मर्यादा सुनना मनुष्य से सब लोग उद्विग्न हो उठते हैं। केवल निर्दयतापूर्ण कर्म करने वाले पुरुष की ओर से डाकू भी संकित रहते हैं। राजा को ऐसी ही मर्यादा स्थापित करनी चाहिए जो सब लोगों के चित्त को प्रसन्न करने वाली हो। लोक में छोटे से काम में भी मर्यादा का ही मान होता है। संसार में ऐसे भी पुरुष हैं जो ये निश्चय किए बैठे हैं कि ये लोक और परलोक है ही नहीं। ऐसा नास्तिक मानव भय की शंका का स्थान है, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दस्युओं में भी मर्यादा होती है। जैसे अच्छे डाकू दूसरे का धन तो लूटते हैं परंतु हिंसा नहीं करते, किसी की इज्जत नहीं लेते। जो मर्यादा का ध्यान रखते हैं उन लुटेरों में बहुत से प्राणी स्नेह भी करते हैं क्योंकि उनके द्वारा बहुत की रक्षा भी होती है। युद्ध न करने वाले को मारना, पराई स्त्री पर बलात्कार करना, कृतज्ञता ब्राह्मणों के धन का अपहरण, किसी का सर्वत्र छीन लेना, कुमारी कन्या का अपहरण करना तथा किसी ग्राम आदि पर आक्रमण करके स्वयं उसका स्वामी बन बैठना, ये सब बातें डाकुओं में भी निंदित मानी गई है। दस्युओं को भी पर स्त्री का स्पर्श और उपयुक्त सभी पाप त्याग देने चाहिए। जिसका सर्वत्र लूट लिया जाता है वे मनुष्य उन डाकुओं के साथ मेलजोल और विश्वास बढ़ाने की चेष्टा करते हैं और उनके स्थान आदि का पता लगाकर फिर उनका सर्वत्र नष्ट कर देते हैं, ये निश्चित बात है। इसलिए दस्युओं को उचित है कि वे दूसरों के धन को अपने अधिकार में पाकर भी कुछ शेष छोड़ दें, सारा का सारा ना लूट ले, मैं बलवान हूँ ऐसा समझकर क्रूरतापूर्ण बर्ताव ना करें। जो डाकू दूसरे के धन को शेष छोड़ देते हैं वे सब और अपने धन का भी अवशेष देख पाते हैं तथा जो दूसरे के धन में से कुछ भी शेष नहीं छोड़ते उन्हें सदा अपने धन के भी निश्चय हो जाने का भय बना रहता है। नेक्स्ट, बल की महत्ता और पाप से छूटने का प्रायश्चित। भीष्म जी कहते हैं, राजन,
प्राचीन काल की बातों को जानने वाले विद्वान इस विषय में जो धर्म का प्रवचन करते हैं वो इस प्रकार है। विज्ञ क्षत्रियों के लिए धर्म और अर्थ ये दो ही प्रत्यक्ष हैं। धर्म और अधर्म की समस्या रख कर किसी के कर्तव्य में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, क्योंकि धर्म का फल प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे भेड़िया का पदचिन्ह देखकर किसी को यह निश्चय नहीं होता कि वो बाघ का पदचिन्ह है या कुत्ते का, उसी प्रकार धर्म और अधर्म के विषय में निर्णय करना कठिन है। धर्म और अधर्म का फल किसी ने कभी यहाँ प्रत्यक्ष नहीं देखा है, अतः राजा बल प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, क्योंकि ये सब जगत बलवान के वश में होता है। बलवान पुरुष इस जगत में संपत्ति, सेना और मंत्री सब कुछ पा लेता है। जो दरिद्र है वो पतित समझा जाता है, और किसी के पास जो बहुत थोड़ा धन है वो उच्छिष्ट या झूठन समझा जाता है। बलवान पुरुष में बहुत सी बुराई होती है, तो भी भय के मारे उसके विषय में कोई मुंह से कुछ नहीं निकालता है। यदि बल और धर्म दोनों सत्य के ऊपर प्रतिष्ठित हो तो वे मनुष्य की महान भय से रक्षा करते हैं। मैं अधिक धर्म से भी बल को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि बल से धर्म की प्रवृत्ति होती है। जैसे चलने फिरने वाले सभी प्राणी पृथ्वी पर ही स्थित है, उसी प्रकार धर्म बल पर ही प्रतिष्ठित है। यानी धर्मात्मा पुरुष को बलवान जरूर होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। जैसे धुआं वायु के अधीन होकर चलता है, उसी प्रकार धर्म भी बल का अनुसरण करता है। अतः जैसे लता किसी वृक्ष के सहारे फैलती है, उसी प्रकार निर्बल धर्म बल के ही आधार पर सदा स्थिर रहता है। जैसे भोग सामग्री से संपन्न पुरुषों के अधीन सुख भोग होता है, उसी प्रकार धर्म बलवानों के वश में रहता है। बलवानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। बलवानों की सारी वस्तु ही शुद्ध और निर्दोष होती है। जिसका बल नष्ट हो गया है, जो दुराचारी है, उसको भय उपस्थित होने पर कोई रक्षक नहीं मिलता। दुर्बल से सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न हो उठते हैं जैसे भेड़ियों से। दुर्बल अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है, सबके अपमान और उपेक्षा का पात्र बनता है, तथा दुखमय जीवन व्यतीत करता है। जो जीवन निंदित हो जाता है वो मृत्यु के ही तुल्य है। दुर्बल मनुष्य के विषय में लोग इस प्रकार कहने लगते हैं, अरे ये तो अपने पापाचार के कारण बंधु बांधवों द्वारा त्याग दिया गया है। उनके उस बागवान से घायल होकर वो अत्यंत संतप्त हो उठता है। यहाँ अधर्म पूर्वक धन का उपार्जन करने पर जो पाप होता है उससे छूटने के लिए आचार्यों ने ये उपाय बताया है। उक्त पाप से लिप्त हुआ राजा तीनों वेदों का अध्याय करे, ब्राह्मणों की सेवा में उपस्थित रहे, मधुर वाणी तथा सत्कर्मों द्वारा उन्हें प्रसन्न करे, अपने मन को उदार बनाए और उच्च कुल में विवाह करे। मैं अमोक नाम वाला आपका सेवक हूँ, इस प्रकार अपना परिचय दे। दूसरों के गुणों का बखान कर प्रतिदिन स्नान करके इष्ट मंत्र का जप करे, अच्छे स्वभाव का बने। अधिक ना बले लोग उसे बहुत पापाचारी बताकर उसकी निंदा करे तो भी उसकी परवाह ना करे, और अत्यंत दुष्कर तथा बहुत से पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के समाज में प्रवेश करे। ऐसे आचरण वाला पुरुष पापहीन हो शीघ्र ही बहुसंख्यक मनुष्यों के आदर का पात्र हो जाता है। नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है और अपने किए हुए एक सत्कर्मों के प्रभाव से अपनी रक्षा कर लेता है। लोक में सर्वत्र उसका आदर होने लगता है तथा वो यहलोक और परलोक में भी महान फल का भागी होता है। तो ये थी भीष्म का युधिष्ठिर को बताना। नेक्स्ट चैप्टर मर्यादा का पालन करने वाले या कराने वाले काव्य नामक दस्यु की सदगति का वर्णन।